सर्बिया के वर्क वीज़ों के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस सर्बिया अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में और इंडिया में, क्योंकि ये यूरोप का कंट्री है, शेंजन का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन क्योंकि यूरोप का पार्ट है इसलिए एजेंट इस कंट्री के नाम पर 2,500 यूरो से ले कर 8,000 यूरो तक लोगों से चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर रियलिटी क्या है, काम की क्या सिचुएशन है और सैलरीज आपको कैसे मिलेंगी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। और इवन कि आपको वर्क वीज़ा ये कैसे मिलेगा और ये कंट्री है कैसा, जियोग्राफिकली इस कंट्री की क्या स्टेटस है, तो ये आप तमाम दो भाइयों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज से अगर आप देखें तो कुछ अर्सा पहले ये न्यूज़ चली थी कि पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए सर्बिया ने अपना ई वीज़ा खोल दिया, और कुछ अर्सा पहले अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएँ तो इंडियन सिटीजन्स के लिए सर्बिया का जो वीज़ा होता था वो आफ्टर अराइवल होता था, यानी कि यहाँ पहुँचने के लिए उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी। तो इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों ने सर्बिया का यूज़ किया, सर्बिया में एंट्री की उन्होंने, और सर्बिया में आने के बाद वो आगे उन्होंने इटली भाग गए, काफ़ी लोग ऑस्ट्रिया चले गए, जर्मन लोग भाग जाते हैं वहाँ से आगे। सर्बिया के बॉर्डर जो हैं वो हंगरी के साथ भी लगते हैं, क्रोएशिया के साथ भी लगते हैं, बल्गारिया, रोमानिया, इन कंट्रीज़ के साथ इसके बॉर्डर्स लगते हैं। और अगर आप ये तमाम कंट्रीज़ अगर आप देखें तो ये सारे कंट्रीज शेंजन में हैं। तो इस चीज़ के की वजह से जो एजेंट माफिया है वो पाकिस्तान में और इंडिया में इस कंट्री के नाम पे बहुत ज़्यादा लोगों को लूट रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है और इसका वीज़ा आपको कितने में और कैसे मिल सकता है। देखिए सर्बिया का जो वीज़ा है ये वीज़ा यहाँ से बन के जाता है, मतलब इसमें ये नहीं होता कि आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट दिए और एम्बेसी सोच विचार करने के बाद उसके ऊपर पूरी स्टडी करने के बाद आपको वीज़ा देगी, ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ से इमिग्रेशन आपको एक वीज़ा प्रोवाइड कर देती है, एम्बेसी का काम होता है खाली उस स्टिकर को आपके पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने लगा देना होता है, उनका सिर्फ यही काम है। एम्बेसी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, डिसीजन यहीं से मेक होकर जाएगा आपका कि आपको वीज़ा मिलना या नहीं मिलना। तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ उन लोगों के लिए जो सर्बिया आना चाहते हैं। सर्बिया का भी यही सीन है, बोस्निया, कोसोवो, इन तमाम कंट्रीज़ का यही सीन है कि वीज़ा आपका यहाँ से जो एम्प्लॉयर जब आपको यहाँ से भेजेगा तो वो वीज़ा यहाँ से बन के जाएगा, वहाँ पे एम्बेसी का काम सिर्फ उसको डिस्पैच करना होता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने उसको स्टिकर करना है सिर्फ उस वीज़ा को, ठीक है। अब सर्बिया का वीज़ा आपको ख़ुद कैसे मिल सकता है और सर्बिया में काम की क्या सिचुएशन है, हकीकत क्या है, कहीं देखें सर्बिया का वीज़ा जो भी एम्प्लॉय यहाँ से निकालता है, यहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो 99% सर्ब लोग या जो यूरोपियन लोग हैं वही इनको रन कर रहे हैं। हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनमें चाइना टॉप पे है, उसके बाद बहुत से जो भाई हैं वो इंडिया से भी यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत कम है। तो आप लोगों को जो अगर वीज़ा निकालना होता है वो किसी आपको सर्ब नेशनल या किसी यूरोपीय नेशनल बंदे की कंपनी से वो वीज़ा निकलवाना होता है आपके एम्प्लॉयर को, या किसी भी बंदे को जिससे आप वीज़ा परचेज़ कर रहे हो। बहुत से मैंने वीडियोज़ देखी हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर आप जाओ एम्प्लॉयर्स को सर्च करो, लेकिन क्योंकि इतना डेवलप कंट्री नहीं है सर्बिया और ना ही शेंजन का पार्ट है, इसलिए आपको ऑनलाइन वीज़ा बहुत मुश्किल है कि मिले। हाँ, अगर आप किसी आईटी सेक्टर में और बहुत बड़ी जॉब के ऊपर हो तो तभी आपको वीज़ा मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको वीज़ा परचेज़ करना होगा किसी बंदे से, जो कि आपको आपका एजेंट भी हो सकता है या कोई आपका जानने वाला जो ऑलरेडी सर्बिया में रहता है। अब जो एम्प्लॉयर होता है जब वो वीज़ा आपका निकलवाने के लिए या वीज़ा के लिए किसी कंपनी के पास जाता है, तो सर्बिया में ये देखने में आया कि जो भी कंपनीज़ हैं वो ये कहते हैं कि आप हमसे 10 वीज़े लें, हम आपको एक वीज़ा नहीं देते, हम आपको 10 वीज़ों का पैकेज देंगे। नॉर्मली कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जो कि आपको ये वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं जिनको सच में लेबर शॉर्टेज होती है, लेकिन अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है जितनी भी कंपनीज़ हैं वो 10 वीज़ों का पैकेज दे के और वो डिमांड कर रहे हैं एम्प्लॉयर से कि आप हमें इतने पैसे दो 10 वीज़ों के बदले में और हम आपको 10 वीज़ाज देते हैं और आप इन वीज़ाज़ को के ऊपर आप अपने लोगों को इंडिया से पाकिस्तान से आप बुला लो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो कंपनीज़ हैं वो कितना चार्ज कर रही हैं। गाइस कंपनी जो मैंने आपको बताया कि अगर जिस कंपनी को लेबर शॉर्टेज है वो फ्री में भी दे देगी, और जिसको लेबर शॉर्टेज नहीं है, जिसने पैसे कमाने हैं, तो वो 1,000 यूरो में, 2,000 यूरो में, 3,000, मैक्सिमम 4,000 यूरो तक इसका रेट जाता है कि एम्प्लॉयर एक वीज़े का 4,000 सिर्फ एजेंट से चार्ज करता है, आपसे नहीं, एजेंट से। एजेंट तो आगे आपको फिर वो करेगा ना वीज़ा से। अच्छा, पहले 1,000 या 4,000, ये मिनिमम आपको 1,000 बता रहा हूँ, मैक्सिमम 4,000 है, और फ्री में भी हो सकता है अगर लेबर शॉर्टेज हो। उसके बाद वीज़ा ऑफर जाएगा इमिग्रेशन में जो सर्बिया में है। अब इमिग्रेशन अलग से उसके चार्ज करती है, कोई इमिग्रेशन की अलग फ़ीस होती है, उसके अलावा आई थिंक 1,000-1,200 यूरो के समथिंग इसकी फ़ीस होती है, जो कि दोबारा आपके एजेंट को इमिग्रेशन में पे करनी होती है। तो पहले आप
उसके एजेंट ने कंपनी को पैसे दिए, फिर इमिग्रेशन को पैसे दिए। अब वो दोनों पैसे मिलाने के बाद जो अमाउंट बनती है, उतनी अमाउंट में एजेंट को ये वीज़ा खुद पड़ रहा है। अगर हम मिनिमम भी एस्टिमेट लगाएं तो एजेंट को खुद ये वीज़ा 2000 मिनिमम में पड़ रहा है, 2000 में। और अगर मैक्सिमम तक जाएं तो ये एजेंट को जो वीज़ा पड़ रहा है ये 5 से 6 हज़ार यूरो में पड़ रहा है। जो एजेंट है उसको एक वीज़ा इतने में पड़ रहा है, और 10 वीज़ों को उसके पास पैकेज होगा तो वो आपको पाकिस्तान, इंडिया में या दूसरी किसी कंट्री में सेल करेगा उस वीज़ा को। तो वो फिर ऑफकोर्स आपसे 2000 या इतने पैसे तो चार्ज नहीं करेगा, वो आपसे थोड़े पैसे ऊपर ही चार्ज करेगा। तो इस तरीके से गाइज आपके जो एजेंट हैं वो आपको वीज़ा सेल करते हैं। अब ये तो हो गई बात कि आपको वीज़ा कितने में मिलेगा और ये वीज़ा कैसे निकलता है। अब मैं पता चलूँ कि जो सर्बिया की इमिग्रेशन है वो भी किसी कोई एक परमिट इशू नहीं करते। अगर वो किसी कंपनी में बंदों की डिमांड है नॉन यूरोपियन कंट्री से, तो वो उस कंपनी को कहती है कि आप कम से कम हमें 10 वीज़ा जॉब ऑफ़र दें ताकि हम उनके ऊपर काम करें। अदरवाइज़ वो एक दो वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं करते। इमिग्रेशन का भी ये पैकेज होता है कि वो 10 वीज़ा ही इशू करते हैं किसी कंपनी के भी, तो आपके एजेंट को ये 10 वीज़ा परचेज़ करने होंगे। अब सेकंड नंबर पे गाइस ये बात आ जाती है कि रियलिटी क्या है, यहाँ पे काम की क्या सिचुएशन है। बहुत से भाइयों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम मिलता है, डिलीवरी में भी लोग काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर भी कंपनी है, जो कि एयरपोर्ट के ऊपर लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाती है, उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को देखा है कि वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन टॉप पे है, डिलीवरी का काम है, और इसके अलावा जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं या किचन हेल्पर की जॉब्स हैं वहाँ पे भी आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो मिनिमम जो सैलरी है सर्बिया में वो 400 यूरो तक मिलती है लोगों को, और मैक्सिमम अगर आप देखें तो फिर वो जितने आप मर्ज़ी कमा, लेकिन जो एवरेज सैलरी है वो आप ये समझ लें कि 600-650 यूरो तक की सैलरी आपको मिलती है, 600 या 650 यूरो। ठीक है, एजेंट आपको 1000-1200 बताएंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि 600-650 यूरो सैलरी आपको मिलती है। इसके बाद गाइज एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर सर्बिया के हवाले से वो ये कि सर्बिया के बॉर्डर्स जितने भी शेंजन कंट्रीज़ के साथ लगते हैं, वो तमाम शेंजन कंट्रीज़ की जो बॉर्डर लाइन है वो बहुत सख्त है। उसमें सबसे जो सख्त बॉर्डर लाइन है हार्ड, वो सर्बिया और हंगरी की बॉर्डर लाइन है, वो सबसे डेंजरस है। इसके अलावा क्रोएशिया के साथ ही बॉर्डर लगता है उसका, वो भी बहुत हार्ड है। बल्गारिया और रोमानिया ये रिसेंटली एंटर हुए हैं, तो ये अब अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इनकी बॉर्डर कंट्रोल लाइन भी बहुत हार्ड हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। और सर्बिया यूरोप में एंटर हो रहा है, शेंजन में एंटर हो रहा है, बहुत से भाइयों को ये भी सवाल था। तो गाइस अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि सर्बिया एंटर हो रहा है शेंजन में, तो इस हवाले से मैं कोई अपने कमेंट पास नहीं करना चाहता। बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरी है सर्बिया को लेके वो आप पूछ सकते हो। और एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है सर्बिया का कि अगर आप खुद की अपनी कंपनी खोलते हो सर्बिया में, तो उसके ऊपर फिर आप बंदों को बुला सकते हो पाकिस्तान से, इंडिया से। कंपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, फिज़िकली बिलोंग करनी चाहिए कंपनी सर्बिया में हो, इसके ऊपर आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। यहाँ पर लॉयर्स हैं जो कि सारा काम करते हैं आपके बिहाफ पे, और ये भी काम है, यहाँ पे भी बहुत से लोग ये भी काम कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। पैकेजेस होते हैं जो कि लॉयर्स बना के देते हैं आपको, और फिर उन पैकेजेस के बिहाफ के ऊपर आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर होती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप उस कंपनी के बिहाफ पे पाकिस्तान से, इंडिया से या नॉन यूरोपियन कंट्रीज से अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को, रिलेटिव्स को आप यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि सर्बिया के हवाले से आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि अपना टाइम निकाल के आप दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। और कोई भी क्वारी हो आप मैसेंजर पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल में बात करना चाहते हो तो आपको इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मैं खुद आपको कॉल करूँगा। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।